नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, आनंद में होंगे। राशिफल 29 नवंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जल्दी से जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। शुरुआत करते हैं आज सुबह के संक्षिप्त पांचांग से। सूर्योदय होगा 6:57 पर, सूर्यास्त होगा 5:58 पर, तिथि है शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, नक्षत्र है कृतिका पक्ष शुक्ल पक्ष, वार रविवार, चंद्र राशि मेष 10:05 AM तक, उसके बाद वृषभ, अभिजीत मुहूर्त 11:48 AM से लेकर 12:30 PM तक, राहु काल 4:01 PM से लेकर 5:19 PM तक। तो ये था आज सुबह का संक्षिप्त पांचांग। ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है और इसके साथ साथ महिला पुरुष बच्चे सभी के लिए है। और एक विशेष बात यह है कि शुभ समय में शुभ काम, अशुभ समय में सावधानी रखने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपके राशिफल की। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, व्यर्थ के खर्चों से बचना होगा नहीं तो आर्थिक परेशानियां आएंगी। आपके छोटे भाई बहन या करीबी रिश्ते या मित्र जो बहुत करीब हैं आपके दिल के, उनसे कोई परेशानी या तकरार हो सकती है। जीवन साथी से रिश्ते बेहतर नहीं होंगे, आप अपनी जुबान पर काबू रखें तो बढ़िया होगा। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा नहीं तो आपके घर आपके कार्य क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। धन का निवेश ना करें तो बेहतर होगा और धन बचाने की कोशिश करें, हर पल सावधानी रखने की आवश्यकता है। आज आप जल्दबाजी में कुछ काम ऐसे करने की कोशिश करेंगे, काम तो करने की कोशिश करेंगे लेकिन काम होंगे नहीं, अधूरे छूट जाएंगे और परेशानी पैदा हो जाएगी। आप अपने अंदर एक ऊर्जा या शक्ति को महसूस करेंगे और ये ऊर्जा या शक्ति आपको ताकत देगी आगे बढ़ काम कर, लेकिन सही काम कर, गलत काम मत कर। तो अपनी ऊर्जा अपनी ताकत अपनी बुद्धि को सही तरह प्रयोग में लाइएगा, आपको अनेक मामलों में राहत प्राप्त होगी। 100 बातों की अगर मैं एक बात करूं तो मेहनत व शांत दिमाग से ही आज आपको आनंद आएगा। जुबान में कोई भी ऐसी बात ना आए, जुबान से कोई भी ऐसी बात ना निकले जिससे किसी का दिल दुखे या टूटे, चाहे कहीं पर भी हो आप। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर मिथुन राशि वाले आज के दिन को बिताएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको लाभ अवश्य मिलेगा। हनुमान जी की उपासना शिव जी की उपासना करना लाभकारी है, लाजवर्द रत्न पहनना लाभकारी है, 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना लाभकारी है और अपने कर्म करते रहना लाभकारी है। हरिओम नमस्कार।